गुड मॉर्निंग सर, ये स्केल आपको दिख रही है, बस ये मेरा प्रोजेक्ट है। जैसे हमें पता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एक चीज की कोई ना कोई मास या वेट होता है, वैसे ये स्केल का भी एक वेट होगा। देखो, हम लोग ऐसे दो कॉर्नर पे उंगली रखते हैं और आप कोशिश करो कि ये जो मार्क मैंने किया है इसके अलग किसी दूसरी जगह पे वो उंगली आ जाए, दोनों एक साथ आनी चाहिए। कोशिश करिए, आप जितने बार भी कोशिश करोगे वो वहीं पे आके रुकेगी। आप कोशिश करके देखिए कि दूसरी जगह जाती है क्या, देखिए फिर से उसी जगह पे आए। अभी दूसरे इसमें क्या कर रहा हूं मैं, एक साइड पे एक वेट लगा रहा हूं, ऐसा कोई भी, मैंने वेट डाल दिया एक साइड पे। अभी देखिए मेरी उंगलियां कहां जाती है, अभी देखो पहले यहां रुक रही थी, अभी उसने अपना सेंटर चेंज कर दिया। ऐसा क्यों हुआ कि जो भी सब्सटेंस हमारे अर्थ के ऊपर है उस हर एक सब्सटेंस का अपना एक वेट होता है, ठीक है, जो सेंटर से, जिसे हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, तो वो अपने सेंटर पे आके रुकता है, बैलेंस करता है। लेकिन जैसे ही मैंने ये यहाँ पे लगाया था वैसे ही क्या हुआ, इधर साइड का वेट बढ़ गया, मास बढ़ गया, जिस वजह से पहले जो उंगली मेरी यहाँ रुक रही थी वो अभी यहाँ रुकने लगी। तो ये है मेरा प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ मास। थैंक यू।